पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। 15-20 मिनट हो गए और उसके बाद मुझे मेरे हस्बैंड मिले मेडिटेशन में, जो एक पूरा यानी वैसे वाइट कमरा था और उसमें मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले गए। नमस्ते माई डियर फ्रेंड्स, गॉड्स एंड मास्टर्स। मेरा नाम है जयश्री पवार और मैं वडोदरा गुजरात से हूँ और मेरी ध्यान की जर्नी 2 साल पहले से शुरू हुई। एक दिन रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी और मेरे मन में बहुत से ख्याल आ रहे थे, मैं अंदर से बहुत ही डिस्टर्ब थी। तो सोचा कि क्या करूँ अभी, तो मैंने यूट्यूब चैनल खोला तो उसके अंदर पितामा पत्री सर एक गाना गुनगुना रहे थे। तो वो गाना मुझे इतना अच्छा लगा कि बस मैं सुनते ही जाऊँ, पूरा दिन मैंने वो गाना सुना। फिर सोचा कि ये सर कौन है, वैसे तो मैं किसी को गुरु आज तक नहीं मानती थी लेकिन मुझे लगा कि इनके बारे में कुछ जानना चाहिए। तो मैंने एक के बाद एक पीएमसी हिंदी सब्सक्राइब किया और सब जो वीडियोज़ थे वो देखने लगी। उसमें आत्मा की यात्रा थी और बहुत सारे वीडियोज़ थे जो मैंने देखे। तो तब मुझे पता चला कि पत्री सर कौन है और मन में तभी मैंने उनको मेरा गुरु मान लिया था। 2020 में मेरी सास और मेरे हस्बैंड दोनों कोरोना में गुजर गए। तो उसके बाद मुझे नहीं नींद आती थी, नहीं खाना पीना अच्छा लगता था, पूरे दिन बस सुनवाई करती थी कि अब क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, बच्चों को कैसे संभालूँ और उस पर ससुर की भी जिम्मेदारी थी, अब क्या करूँ। बस पूरी रात भी मुझे नींद नहीं आती थी। पहले पीएमसी हिंदी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था लेकिन बस वो पीएमसी हिंदी चैनल में सब मेडिटेशन की वीडियोस देखकर मैं मेडिटेशन करती थी। तो एक बार रात को क्या हुआ, 3:30 बजे थे और मेरी आँख खुल गई। तो मुझे लगा कि क्या करूँ, भी मेडिटेशन करने बैठ जाऊँ। तो मैं मेडिटेशन करने बैठ गई और जैसे 15-20 मिनट हो गए और उसके बाद मुझे मेरे हस्बैंड मिले मेडिटेशन में, जो एक पूरा यानी वैसे वाइट कमरा था और उसमें मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले गए कि तो मेरे फ़ोटो के सामने देख के रोया करती है, बोला करती है ना कि कहाँ गए आप, कहाँ गए, देख मैं यहाँ हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मेरी चिंता मत कर, ऐसे मुस्कुराते हुए वो बोले। बस उतना मुझे उस मेडिटेशन में दिखाई दिया। और जब भी मेडिटेशन करने बैठती थी, ज़्यादातर 3:30 बजे से 5 बजे तक, तो मुझे हमेशा कोई फूलों की फ्रेग्रेंस आती थी, कभी मोगरे की, कभी राधारानी की, वैसे फ्रेग्रेंस आती रहती थी। और अभी जब लास्ट नवरात्रि गई तब मैं शाम को 7:30 बजे के बाद मैं बैठती थी, तब मुझे हर रोज़ राधारानी की स्मेल आया करती थी, जैसे कोई मास्टर्स मेरे साथ है, वैसे मुझे फील हुआ करता था। और एक एक्सपीरियंस मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा बेटा है जो अभी कैनेडा गया हुआ है स्टूडेंट वीज़ा पर, तो वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि फीस हमें रिफ़ंड चाहिए थी, कुछ वजह से बहुत सारे बच्चे थे, जैसे 26 बच्चे थे तो सभी को मिल गया और उसको रिफ़ंड नहीं मिला। तो सोचा कि अभी क्या करें, बहुत सारी रिक्वेस्ट की, ईमेल्स किए, फिर भी कोई आंसर नहीं, बोला कि आपको नहीं मिलेगा। आगे तक गए लेकिन बोला कि नहीं अभी पॉसिबल है ही नहीं, आपको मिल ही नहीं सकता। तब मैंने यहीं से इंडिया से ही मेरे बेटे को बोला कि कोई बात नहीं, तू यूनिवर्स से बोल मदद मांग, क्योंकि वो बहुत हमें प्यार करते हैं तो वो हेल्प करेंगे, तो बोल एक बार आंखें बंद करके 10 मिनट तू मेडिटेशन कर और फिर बोल कि मेरा रिफ़ंड मुझे मिल जाए, क्योंकि जो पैसे जो फीस भरी थी ना वो हमें पता थी कि किस तरह से भरी हुई थी। तो वहाँ से वो और यहाँ से मैं, हम दोनों मेडिटेशन करने बैठे और दोनों ने एक साथ यूनिवर्स को बोला कि जो भी रिफ़ंड आया है वो हमें मिल जाए। और सुबह में 2-3 घंटे के बाद ही उसको मेल आया कि हमारी गलती है और आपको आपका रिफ़ंड मिल जाएगा। तो ये भी मेरा एक एक्सपीरियंस है। वैसे तो मैं बचपन से ब्रह्मा कुमारीज में जाती थी लेकिन शादी के बाद सब छूट गया और जो 2 साल पहले से मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई, तो उसमें जब पहले मैं मेडिटेशन करती थी जैसे आंखें बंद करने के बाद ऐसे लगता था जैसे कोई मैं अलग दुनिया में चली गई। अभी भी मैं नेचर में मेडिटेशन करना बहुत पसंद करती हूँ। हमारे यहाँ पास में ही गार्डन है
तो वहाँ सुबह में मैं जाती हूँ 6 बजे, और वहाँ इतना अच्छा लगता है सुबह में, जैसे फाउंटेन वहाँ स्टार्ट होता है, फिर बर्ड्स की चहल पहल होती है, और इतना प्यारा नज़ारा होता है वहाँ। आँखें बंद करके मैं 1-1.5 घंटे तक बैठती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। करीबन 1 साल पहले पत्री सर वडोदरा आए थे, तो तब मैंने उनको पहली बार देखा। जैसे मैंने उनको देखा ना, तो मुझे जैसे लगा कि जैसे वो मेरे पिता हो, और पता नहीं अंदर से बहुत अच्छे से फीलिंग आ रही थी कि मैं क्या करूँ, मैं उनसे बात करूँ। ऐसे गुरु को मैंने पहली बार देखा था कि जो एकदम से सिंपल थे, कुछ नहीं, एकदम सिंपल कपड़े, ना हाथ में मोबाइल, ना कुछ भी नहीं। मैंने बात करने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन इतना क्राउड था कि मैं मिल नहीं पाई। लेकिन एक बात थी कि जब वो वहाँ से जा रहे थे, तब उन्होंने मुझे हाथ से ऐसे बाय किया, जैसे वो बोल रहे हो कि हाँ फिर से हम मिलेंगे। और हुआ भी वैसे ही, उसके 2-3 महीने बाद ऋषिकेश जाना हुआ, जहाँ महाकुंभ मेला लगा हुआ था, तो वहाँ मेरी मुलाकात फिर से पत्री सर से हुई। तब मैं पत्री सर से मिली, और तब तो क्या मैं भी नई नई थी, तो कुछ नहीं मांगा, सिर्फ ऐसे ही बोला कि मेरे बच्चे हैं तो वो भी ध्यानी बन जाए, शाकाहारी बन जाए, जो भी मेरा बच्चा है, जो बड़ा है, वो भी ध्यान करने लगा है। मैंने PSSM में काफ़ी वर्कशॉप किए हैं, जैसे पहले मैंने JTTP किया, जो 2 बार किया मैंने, उसके बाद न्यू एनर्जी किया, और फिर इनर जर्नी भी मैंने किया, तो उससे मेरे लाइफ में बहुत सारा फर्क पड़ा। अभी मैं अंदर से बहुत ही शांत हो गई, जैसे पहले रोया करती थी कि मेरे साथ ये क्या हो गया, लेकिन अभी ये सब बातें मुझे समझ में आ रही है कि वो क्यों हुआ, जो मेरे लाइफ का ही एक प्लान था जो मुझे मेडिटेशन की तरफ लेकर आया। मुझे PMC हिंदी के जो भी वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो मैं मेरे फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को भेजती हूँ, तो उनका रिप्लाई भी आता है कि उन्हें बहुत अच्छा लगा। और वो लोग भी, कोई कोई लोग ऐसा है कि वो भी अभी ध्यान करने लगे। जैसे आज की ही बात है, आज सुबह में PMC गुजरात में खुशाली मैडम का एक मेडिटेशन था, तो वो मैंने किया। तो उसमें क्या हुआ कि मुझे करीबन 9-10 महीनों से खांसी बहुत आती थी, तो मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, तो उन्होंने बोला कि शायद ये पोल्यूशन की वजह से है, तो वो दवाई दी, लेकिन नहीं अच्छा लगा। फिर उसके बाद दूसरे डॉक्टर को बताया, तो उन्होंने बोला कि आपके घर डॉग है तो उसकी वजह से है, तो वो दवाई भी मैंने ली, लेकिन उससे भी नहीं अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे दवाई नहीं करनी, और मैं अपने आप ही में हील हो जाऊँगी, करूँगी अपने आप को मेडिटेशन में। तो आज खुशाली मैडम का जो मेडिटेशन था, तो उसमें मैं बैठी, और पता नहीं थोड़ी देर के बाद मुझे जैसे लगा कि गले में जैसे कोई मुझे हाथ से पेम्पर कर रहा हो, और उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि आज की बात करती हूँ कि मुझे 90% बहुत अच्छा लगा है। मुझे एक पता नहीं भगवान की देन है कि क्या, लेकिन जब भी हमारे जो रिलेटिव्स हैं उसके अंदर अगर किसी की डेथ होनी हो या किसी का बर्थ होना हो, तो मुझे अगले ही दिन मुझे ड्रीम में वो आ जाता था, तो मैं सुबह सुबह में बता देती थी कि मुझे इस तरह से ड्रीम आया, और वो सच भी होता था। मैं और मेरा बेटा, बहुत सारे ऐसे काम थे जो नहीं हो पाते थे, तो हम पिरामिड लेके बैठ जाते थे और फिर बोलते थे कि ये काम मेरा हो जाए, जैसे पिरामिड को हमने हमारा दोस्ती बना लिया था, तो जैसे टच करके हम बोलते थे तो वो काम भी हो जाता था। PMC हिंदी में एक बार मैं आत्मा की यात्रा देख रही थी, जिसमें महेश्वरी मैडम नाम की लेडी थी, तो वो बता रहे थे कि उनके जीवन में क्या हुआ, जैसे कुछ पता नहीं एक्सीडेंट हुआ था उनका, और उसके बाद उनकी डेथ भी हो गई, और उसके बाद उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया वो उन्होंने सब बताया। तो वो सुन के मैं हैरान हो गई कि ऐसा भी होता है क्या। PMC गुजरात में डॉक्टर रंजन के मेडिटेशन भी मैं फॉलो करती हूँ, उनका भी गीता के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान वो देते हैं, तो वो उसके बाद भी मुझे, यानी मैं पहले से बहुत शांत हो गई, जैसे बहुत थॉट्स चला करते थे पूरा दिन, तो वो मेरे में बहुत बड़ा बदलाव आया कि मैं एकदम शांत हो गई पहले से। मैंने और मेरे बेटे ने ध्यान करना शुरू किया, उसके बाद बहुत सारे बदलाव आए पॉजिटिवली, यानी। तो वैसे मैं भी चाहती हूँ कि पूरी दुनिया हमारी तरह ही शाकाहारी बने, ध्यानी बने, और ये पूरी दुनिया पिरामिड जगत बने, मैत्री जगत बने। धन्यवाद। PMC हिंदी, बदले जीवन।